नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश यादव आज लेके आया हूँ एक नई चीज़। मतलब जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी लो थी, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने मंगाई है एक चीज़। क्या चीज़ मंगाई है अभी दिखाता हूँ। तो भाई ये है वो चीज़, DJI OM4SE। ये एक गिम्बल है, ठीक है, और गिम्बल है, स्मार्टफोन स्टेबलाइजर भी बोलते हैं इसे, ताकि जो स्टेबल वीडियोज़ आ सकें और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सके। तो अब मैं दिखाऊंगा इसके बॉक्स के अंदर, इन बॉक्स आपको क्या क्या कंटेंट मिलता है, और फिर इसकी फुटेज भी चेक कराऊंगा कि इसकी फुटेज में क्या फ़र्क होता है, भाग के, दौड़ के, हर तरीके से, मतलब पूरा देखेंगे इसको, ताकि आने वाली जो मेरी कार्स की वीडियो हो, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो हो, वो एक नंबर की हो और आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। भाई अब दिखाता हूँ, देखो ये कुछ इस प्रकार का बॉक्स मिलता है। बस जूम क्या, बहुत जूम करना पड़ेगा, ठीक है। पहले खोल चुका हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या मिलेगा इसके अंदर। भाई सबसे पहले देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। जो इसकी ऐप है वो आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, DJI मीमो करके ऐप है, जो इसको स्कैन करोगे या इसकी वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। अराउंड 384 या 400 MB की ऐप है, तो आप उससे हिसाब लगा सकते हो कि आपके फ़ोन में स्पेस होना ज़रूरी है। फिर आता है ऊपर की तरफ से, ये थोड़ा सा सामान है, इसके अंदर क्या क्या सामान है वो भी देख लेते हैं। और नीचे मिलता है भाई आपको गिम्बल, जो कि सिल्वर कलर में है, देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी स्टार वॉर्स की मूवी का वो कोई गैजेट वैजेट हो। नीचे की तरफ ये ट्राईपोड मिल जाएगा, एक आपको स्टैंड की तरफ यूज करने के लिए, ठीक है। एक आपको दी गई है डाटा केबल, और ये मैग्नेट वाला है। इससे पहले जो आपके गिम्बल आया करते थे उसके अंदर क्या होता था कि डायरेक्ट, ये देखो ये क्या आ गया, मामा बोलते हैं। एक ये मिलता है, ये मैग्नेट है इसके अंदर, और भाई मैग्नेट ये मान के चलो भाई नहीं होता इसके अंदर, मतलब गिरता नहीं है फ़ोन। और एक ये मिलता है, पता नहीं ये इसका यूज़ क्यों दिया गया है। वैसे ये जो DJI वाले बोलते हैं कि जो इसका यूज़ है वो इसलिए दिया गया है ताकि इसके ऊपर चिपका लो ऐसे करके, और छोटा फ़ोन इसके अंदर कैरी हो जाएगा। मतलब जैसे आईफोन 4 या 5 से अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपका ये हो जाएगा। फिर आता है भाई लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा गिम्बल। अब इसको निकालते हैं हम बाहर। देखो ये मैंने पहले से थ्रेड लगा लिया था, तो ये थ्रेड भी दिया था इसके अंदर कि इसको कभी भी पकड़ो तो ऐसे करके हाथ में लगा लो, ताकि ये कभी छूटे तो ऐसे रहेगा। अब मैं इसको बताता हूँ कि ये खुलेगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये है, ठीक है, इसको ऐसे करके ओपन करना है, ठीक है। अब ये हो गया फ्री मूवमेंट पे। यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, ये ग्रिप सॉफ्ट की है, ठीक है। पीछे की तरफ ट्रिगर होता है जो इसकी पोजीशनिंग को रीसेट करता है। ये जूम करने के लिए, जूम इन जूम आउट के लिए बटन होते हैं। ये आपका जॉयस्टिक दिया गया है। ये कैमरे को स्विच, अगर डबल टैप करोगे इसे तो कैमरा स्विच हो जाता है फ्रंट टू बैक, और इसको अगर दो बार दबाओगे तो बैटरी का लेवल यहाँ पे पता चल जाएगा, और अगर दबा के रखोगे तो ये गिम्बल ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फ़ोन लगा के भी दिखा देता हूँ कि ये गिम्बल वर्क कैसे करता है। बंदे ये सोचते हैं कि ये फ़ोन इसमें लगेगा तो गिर जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है, मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर ना भाई, ये देखो यहाँ पे ना एक चीज़ लिखी हुई है कि कैमरा इस साइड होना चाहिए इसके। तो जैसे इसमें फ़ोन में यहाँ कैमरा है, तो कैमरा ऐसे करके मेरे को बटन के प्लेसमेंट यहाँ पे करके और इसे लगा देना है। बहुत ही इजी तरीके से लग जाता है, अंदर से सॉफ्ट ग्रिप दे रखी है, तो टच वच पे कोई स्क्रैच विच नहीं आएंगे। फिर उसके बाद इसको मैग्नेट को हमें चिपकाना है ऐसे करके। अब ये नहीं छूटेगा, अब मेरे को इसे ऑन करना है। जैसे ये देखो, अब ये ऐसा है, अब मैं इसको दबा के रखूँगा, ये ऑन हो जाएगा। अब ये ऑन हो गया। बेसिकली इसके अंदर जो स्टार्टिंग में मोड आता है वो पोर्ट्रेट मोड आता है, क्योंकि आजकल ना लोग टिकटॉक वीडियोस, और टिकटॉक तो बैन ही हो गया इंडिया में, बट रील्स भी कम थोड़ी है टिकटॉक से, रील्स वीडियो और यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं, तो पोर्ट्रेट मोड आता है। इसी को हम डबल अगर दो बार दबाऊंगा तो ये लैंडस्केप में चला जाएगा। ये देखिए अब ये हो गया लैंडस्केप के अंदर। अभी ये स्टेबल तो है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इसे प्रॉपर तरीके से अगर आपको यूज़ करना है तो इसकी जो DJI की मीमो ऐप है उसके अंदर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं दिखाता हूँ कि ये देखो जॉयस्टिक का क्या काम है। मूवमेंट करनी है इधर, तो ये इधर हो जाएगा, और इधर तो इधर। और ये ज़्यादा बेटर तब वर्क करता है जब आप इसको
क्या नाम है, अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करोगे ऐप के थ्रू, तब ज़्यादा वर्क करता है। और अभी दिखाता हूँ एक चीज़ और, बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी, मतलब ऐसे नहीं है कि देखो जैसे ये ऊपर जाएगा ना हल्का सा टिल्ट हो जाता है ये, क्योंकि इसको बिना जॉयस्टिक के भाई देखो बॉक्स के अंदर ना ये आपको DJI Osmo लिखा हुआ ये कवर मिल जाता है ताकि आप इसे कैरी कर सकते हो। और इसके अंदर हैं कुछ किताबें जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें वैसे भी लूशेंग को बुलाना पड़ेगा, सब साला चाइनीज़ में लिखा हुआ है, नहीं इंग्लिश भी है बाकी समझ सकते हो, इंस्ट्रक्शन गाइड होती है, बहुत कम लोग इसे पढ़ते हैं, सीधा जाके यूट्यूब पर सर्च मारते हैं, तो इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, पुस्तकें पढ़ ली जाएँ। ये पुस्तकें हैं भाई, दोबारा से डाल देते हैं इसके अंदर, ये छोटी छोटी पुस्तकें भी दी गई हैं। अब इसके अंदर क्या समझ में आएगा, इसका क्या मतलब है इंडिया में भेजने का मुझे पता नहीं है, लेकिन भाई चाइनीज़ में लिखा हुआ है। भाई ये वीडियो शूट हो रही है गिम्बल से, अब जैसे ही मैं इसे मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये स्लो मूवमेंट में ही जा रहा है, ये देखो एकदम फ्लोटिंग मूवमेंट में है। और जैसे ही मुझे इसे रीसेट करना है तो नीचे वाले ट्रिगर को दो बार दबाऊंगा और ये अपनी बैक पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर ना इसकी ऐप में सब कुछ दिखाई देता है कि गिम्बल के अंदर कितनी बैटरी बाकी है, मोबाइल के अंदर कितनी बैटरी है, फ्लैश ऑन है कि नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन। इवन जैसे ही आप वॉइस रिकॉर्ड करोगे ना, वॉइस रिकॉर्डिंग की भी इसके अंदर पूरा का पूरा दिखाई देता है। अब मैं भाग के चेक करा देता हूँ कि इसके अंदर ना आपको क्या स्टेबलाइजेशन मिलती है। अब मैं भाग रहा हूँ, पता नहीं भाई नीचे गोबर गोबर आ जाए तो कहना मत, ठीक है, ये भागते हुए वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं स्टेबलाइजेशन कैसी आ रही होगी, वो तो बाद में जब एडिटिंग करेंगे तभी जज हो पाएगी। अब देखते हैं नीचे, भाई घास है गीली, चलने में तो स्टेबल है बहुत ज़्यादा, बट भागने का पता नहीं भाई, भाग के देखा है मैंने स्टेबल वीडियो आ रही है। अब भाई उधर जा रहा है गिम्बल, अपने आप डिटेक्ट कर रहा है इसे, हाँ चाहे बाइक हो चाहे कार हो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। और एक बार नीचे बैठ के भी दिखा दो बा, हाँ भाई अब जैसे मैं नीचे बैठूंगा ना तो ये एंगल अपने आप ही टिल्ट कर लेगा, ये ऑल ओवर भाई क्वालिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना इससे रिलेटेड कोई डाउट। ये मुझे फ्लिपकार्ट की परचेज में मिला था लगभग में कोड ओड लगाने के बाद 8,500 रुपये का, और 8,500 रुपये में मेरे ख्याल से वर्थ है, और मैंने अब तक इसे ना एक भी बार चार्ज नहीं किया है, तो ये देख लो। अच्छा जूम फंक्शन भी देख लेते हैं कि देखो मेरे में ऑप्टिकल जूम है तो थोड़ा सा ना देखो कैसे आएगा, ऑप्टिकल जूम है ये देखो, ये बटन ट्रिगर से मैं जूम कर रहा हूँ और जूमिंग आउट, और फ्रंट कैमरा डबल स्विच मारोगे, फ्रंट कैमरा मेरा इतना क्लियर नहीं है। तो ये जितनी भी फुटेज देखी आपने और जो ये करंट में रिकॉर्ड हो रही है ये सारी की सारी DJI Osmo गिम्बल से ही सारा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे मैंने DJI की आपकी गिम्बल की फुटेज ली है तो वहाँ पे नीचे आपको लिख के आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये DJI की है और ये मेरे रॉ फ़ोन की फुटेज है। तो भाई यहीं करता हूँ वीडियो का एंड, अगर कोई बंदा चाहता है कि आप उसकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज्ड आए तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट गिम्बल, जब ये लॉन्च हुआ था 13,000 का था तब मुझे लगा था ये ज़्यादा ही ओवर प्राइज्ड है, बट नाउ मैं अब ये कह सकता हूँ ये वर्थ है आपको 8,500 रुपये में लेने के लिए। तो यहीं करता हूँ वीडियो का एंड, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।